ये हैं ईशांक। इस समय जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सबसे छोटे हैं ये, और इनका पहला नंबर आया है कि आप यहाँ मेरे पास आए और कुछ भी कविता या जो भी बोल पाते हैं। ये थोड़ा तुतलाते हैं, इनके अक्षर सही नहीं निकलते हैं, लेकिन कोशिश कर रहा है बच्चा, तो सुनिए क्या बताते हैं। चलो बताओ। तिंता तिंता लेता हमें बंदर बत्ता ताल दा बत्ता वाई स्पष्ट कहो बेटा, साफ साफ जोर जोर से कहो, कहो फिर से। तिंता तिंता लेता हमें बंदर बत्ता आता दा बत्ता वाई इन द स्काई है। हाँ, ऐसे कोशिश करो, तेज बोलो, स्पष्ट बोलो, तो निश्चित रूप से तुम एक दिन बहुत अच्छा काम कर पाओगे। ठीक है, जाओ। तुलसी रावत आलू का चलो बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की झोपड़ी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने पैर किया हाथ रहे थे। देखिए, ये बच्चा बोल रहा है, बढ़िया बोल रहा है, लेकिन आवाज जब निकाल रहा है तो इसकी आवाज में थोड़ी सी त्रुटि है। अभिभावक हैं या आपके घर के बच्चे या आस पड़ोस के बच्चे, हो सकता है आवाज जब निकालते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से हवा निकलती है, आवाज निकलती है, और हवा के साथ ही ध्वनि निकलती है। लेकिन ये बच्चा देखिए मुंह से कम और नाक से ज्यादा आवाज निकाल रहा है। तो देखिए, सुनिए एक बार, इस तरह का बच्चा थोड़ा घर पर आपके भी है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, केयर कीजिए, उसको सिखाइए, थोड़ी मदद कीजिए। हम तो कर रहे हैं, लेकिन आप भी कीजिए। आसपास में अपने घर के बच्चे, दूसरों घर के बच्चों की आवाजें साफ साफ होनी चाहिए। देखिए, सुनिए ध्यान से एक बार फिर से, बच्ची यही कविता सुनाएगी। तेज बोलना बेटा, बोलो। आलू का चलो बता कहाँ गए थे, बैंगन ने झोपड़ी में सो रहे थे, बैंगन ने रात मारी रो रहे थे, मम्मी ने पैर किया हंस रहे थे। इन कमियों को दूर करना है। मेरा नाम तुषार वर्मा है, मैं आज आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने आराम से कहिए, समझ खींचते सके। हाँ, रस्सी ही चाहे जहाँ कहीं भी ले जाते, जब आज जब भी हमें धूप सताती जट से उसके नीचे सुस्ताते, जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती उसके नीचे चिप जाते, जहाँ अरे वाह, अगर क्या होता, अगर कहीं क्या, भी अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ चल रहे होते तो जहां हम जाते मेरे पीछे पीछे चले जाते, भूख लगती तोड़ के खा लेते। बहुत अच्छी कविता है, पूरी याद कीजिए, अगले शनिवार को फिर आइए और फिर से अपनी बातें, अपनी कविताएं, अपनी बातें भी आप बता सकते हैं। और बताइए मिस्टर तुषार जी, है ना, हर शनिवार को आपको एक नई बात, एक नई कविता, नया संदेश आपको हमारे साथ वीडियो पर देना है, और अच्छा बोलना है, अच्छा पढ़ाई करना है, और अच्छा रहना है, सबसे आगे निकलना है, ऐसी कोशिश करनी है, गांव को शहर जैसा बना देना है, शहर जैसे बच्चों जैसा ही बनना है। मेरा नाम निधि वर्मा है, मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिसरिसी बोलो, जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो, जब बोलो तब रुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो अपने मन की बातें। हाँ, सोच समझ कर रुक कर बोलो, कुछ भी मत कह देना। बच्चे ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, सब लोग भी इससे सीखिए कि जब भी बोलना है सोच समझ करके बोलना है, कुछ भी नहीं कह देना है। और क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हाँ, निधि वर्मा नाम है इनका, और इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है इस कविता के माध्यम से। थोड़ा धीरे बोल रही थी, हो सकता है आवाज कम आए, लेकिन ध्यान से जब आप सुनेंगे तो जरूर समझ में आएगा। एक संदेश है, हमें भी सीखने की जरूरत इनसे होती है। बच्चे जो भी संदेश दे रहे हैं हम भी उसी से सीख रहे हैं। आदित्य सिंह है, मैं आपको आज एक कविता सुनाने वाला हूँ। सुनाइए। चंदा मामा दूर के बहुत पुआ, जल्दी ना सुने, धीरे धीरे कहिए, इसे चंदा सम मामा दूर के तेज पुआ बोलो। गावे पूर के हम भूले ये तो भूल गए, फिर से सुनाओ। चलो। चंदा मामा दूर के पुआ पकावे पूर के हम खाएं थाली में, मुन्नी को दे मुन्ना गया रूट
सुनने को मनाएंगे। फिर भूल गए? तो भूल कैसे जाते हो? याद करो कोई कविता, दूसरी चलो दूसरी कविता सुनो। कोई और कविता नहीं आती है? तो अगले शनिवार को आप एक अच्छी सी कविता याद करके आइए और उसको अच्छा सा सुनाइए। तेज बोलना है, ढंग से बोलना है, स्पष्ट शब्दों में बोलना है, इधर देखो। और एक बार वो कविता अपनी मम्मी को पापा को सुनाइए कि पापा देखो आज मैं ये कविता सुनाने जा रहा हूं, तो देख सुन लीजिए। तो घर में सुनाइए, बोलिए, बताइए, फिर अगले शनिवार को हमारे सामने आइए और एक कविता अच्छी सी सुनाइए। हम चाहते हैं कि आप जैसे बच्चे जो भी हैं गांव के जो बच्चे हैं वो सामने बोलें और अच्छी चीजें याद करें। इनमें याद करने की बात और सामने बोलने की साहस जरूर आ जाएगा। धन्यवाद। अपने बारे में बताइए पहले कि तुम कौन हो। मेरा नाम शगुन है, मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। सुनाओ। चले जन्मदिन मनाने हाथी दादा, खाना थोड़ा मेहमान ज्यादा, फिर भी खुशी से नाचेगा, सब मिलकर खुशियाँ मना, भालू ढोल बजाकर कहता, सब करो प्यार हमारे जैसा। क्या भालू जो है अच्छा प्यार करता है, तभी तो कहता हमारे जैसा प्यार करो, क्यों? तो ये बच्चे ने पहली बार कैमरे के सामने आई और बोली, अच्छा बोली। एक बार फिर से सुना बेटा। तेज बोलना, ऐसा तेज बोलो कि बिल्कुल साफ साफ, यही देखो, अलग नहीं देखना है। चलो बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अगले शनिवार को फिर से आएंगी आप और एक अच्छी सी कविता, पहले घर में पापा को बताना, मम्मी को सुनाना, और जब वो कहें ठीक है तो यहाँ पर आकर के हमको भी सुनाना, तो हम तुम्हारा वीडियो बनाएंगे और सबको दिखाएंगे, है ना? मम्मी को, मौसी को, नानी को सबसे फोन करके बताइए कि तुम्हारा वीडियो देखें। बोलोगी तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा भाई, मौसी जब देखेगी गाते हुए तुमको बोलते हुए तो अच्छा लगेगा। और फिर जो इस सप्ताह सीखोगी अगली बार ब्लैक बोर्ड पर वो सवाल तुम्हें करके सिखाना है, दिखाना है कि तुम्हें ये सवाल आता है कि नहीं। ठीक, बताइए अपने बारे में बताइए, फिर जो कविता सुनाना चाहती हूँ वो बताइए। चलिए। मेरा नाम है राजू, मैं आपको एक कविता। हाँ, तेज बोलना बेटा, है ना, क्योंकि आवाज वहां रिकॉर्ड होती है तो स्पष्ट रहे। चलो बोलो। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर पे आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटरपटर चटरपटर चटरपटर। बहुत अच्छा गाया भाई तुमने। और क्या नाम है तुम्हारा? राखी। हाँ राखी जी, बिल्कुल बहुत अच्छा कहा। अगली बार फिर और इससे अच्छा आप तैयार करके आइए, सवालों को पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ सीखना है तुम्हें। अगली बार बोर्ड पर तुम्हें सवाल लगा के दिखाने हैं, ठीक है? और बहुत अच्छा काम करना है। तो हर शनिवार को हम लोग इकट्ठा होते हैं और इस तरीके की वीडियो बनता है। सारे रिश्तेदारी में सबको बताइए कि तुमने वीडियो बनाया है और वो लोग देखें इसे। ये बच्चों की बाल सभा है, गाँव में आप जो भी वीडियो देख रहे हैं गाँव के घर के बच्चों से कहिए कि वो बोले, बोलना सीखे, कविताओं को सबके सामने रखना सीखे। यहाँ पर 20 बच्चे सामने बैठे हुए हैं और ये बच्चा आराम से बोल रहा है, इसके अंदर साहस आ रहा है, आज गलत है कल सही हो जाएगा, बड़े बड़े कंपटीशन देगा और सिलेक्शन होगा। धन्यवाद। नाम अंश है, मैं एक कविता सुनाने वाला हूँ। जीवन हाँ, ये वो कविता है जो हमने भी बचपन में पढ़ी थी, बचपन से ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, और अगर उसको बाहर निकाला तो मर जाएगी और हाथ लगाया तो डर जाएगी। जो मछलियां लोग घर में एक्वेरियम वगैरह में पाल के रखते हैं, आप लोग बिल्कुल उसको छुएंगे नहीं, उसको हाथ नहीं लगाएंगे, दूर से देखना है, क्योंकि वो मछली है ना, डर जाएगी। अगर उसको छू लिया, उंगली लगा दिया तो वो डर जाएगी ना। जो कविताओं में हम लोग पढ़ते हैं
उससे कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलती है, तो उसका अर्थ भी देखते रहना है हमें। तो सभी लोग अपने बच्चों को बोलने के लिए एक एक कविता हिंदी में और इंग्लिश में याद कराइए, फिर उसको सुनिए, फिर दूसरी याद कराइए, फिर सुनिए। इससे बच्चों के अंदर याद करने की और बोलने की क्षमता पैदा हो जाएगी, बच्चा याद करना सीख जाएगा और फिर सही सही बोल रहा है तो बोलना सीख जाएगा और उच्चारण भी सही होने लगेंगे। उनके शब्दों को ध्यान रखना है और निश्चित रूप से ये बच्चे आगे चल करके बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। आप लोग इनको प्रोत्साहित करते रहिए, वीडियो को देखिए तो उसको उस पर कमेंट करिए, लिखिए कि बच्चे ने ये में इस सुधार की जरूरत है या अच्छा गाया, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा प्रयास सार्थक लगेगा क्योंकि मैं इस समय गांव में रह करके गांव के बच्चों के साथ अपना जीवन बिता रहा हूं, उनको बढ़िया प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप भी मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।